हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आर के इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आर के सैनी एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हमने आपको पिछली क्लास में मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाइपर कंजुगेशन। तो सबसे पहले फिर वो लाइन याद दिलाता हूँ कि कंजुगेशन किसको कहते हैं। तो आप एक बार वापस देखिए, कंजुगेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आपको इससे प्रीवियस क्लास में बताई थी कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किसी ऐसे एटम से अटैच हो जिस पर अल्टरनेटली, जैसे डबल सिंगल डबल, मे बी डबल बॉन्ड, मे बी पॉजिटिव चार्ज, मे बी नेगेटिव चार्ज, मे बी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मे बी एम्प्टी ऑर्बिटल और इट कैरी ऑड इलेक्ट्रॉन, देन सच टाइप सिस्टम आर नोन एज कंजुगेटेड सिस्टम इन विच डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, मींस रेजोनेंस टेक्स प्लेस। आज मैं अब आपको दूसरा इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है हाइपर कंजुगेशन। देखिए एक बार ध्यान से, हाइपर कंजुगेशन, कई तो नाम है इसके, हाइपर कंजुगेशन भी कहते हैं केमिस्टों के बेस पे, इसको बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं, इसको सिग्मा पाई कंजुगेशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, कई इसके नाम, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। अब आप समझना ध्यान से देखिए क्या होता है इसके अंदर, जैसे नाम से क्लियर है ना, सिग्मा पाई कंजुगेशन यानी इसमें सिग्मा और जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रेजोनेंस होता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहां से कंजुगेट सिस्टम में आते रहते हैं। तो अब आप एक बार देखो, सपोज सबसे पहले कि किसमें मिलेगा ये हाइपर कंजुगेशन, वो सुन लो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंजुगेटेड सिस्टम इस एटम जेड पर, तीन बात हो सकती है, इस पर डबल बॉन्ड हो सकता है जहां पर ये हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन की कंडीशन कि कंजुगेटेड सिस्टम जो ये जेड है इस पर मे बी प्रेजेंट डबल बॉन्ड, मे बी कैरी पॉजिटिव चार्ज और मे बी कैरी ऑड इलेक्ट्रॉन, ये तीन केस हो सकते हैं। उस केस में ये जो आपके पास में अल्फा इलेक्ट्रॉन्स हैं इस जेड एटम के, जो अल्फा हाइड्रोजन बॉन्ड था वो क्या है कंजुगेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट कर जाता है, जिससे आपके पास में जो इफेक्ट होगा उसको कहते हैं हाइपर कंजुगेशन और बेकर-नाथन इफेक्ट। देखो आप एक बार ध्यान से कैसे होगा, एक बार देखिए, पहला सपोज इन केस ऑफ एल्कीन, फर्स्ट इन केस ऑफ एल्कीन, देखो एक बार ध्यान से, ये साहब मेरे पास में कोई मैंने एल्कीन लिखी डबल बॉन्ड, तो आप ध्यान रखना कि इस कंजुगेटेड सिस्टम के रेस्पेक्ट में ये जो आपके पास में ग्रुप लगा हुआ है इसको मैं बोल देता हूं सपोज फंक्शन ग्रुप के जैसे बोलते हैं ना अपन, तो इसको बोलेंगे आप अल्फा कार्बन। अब ध्यान से देखो हाइपर कंजुगेशन की, हाइपर कंजुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन, समझ रहे हो, सैचुरेटेड कार्बन के अल्फा हाइड्रोजन जब इस कंजुगेट सिस्टम में डबल बॉन्ड हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या क्या हो सकता है ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ हो, तो हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करने लग जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन और नो बॉन्ड। जैसे एक बार देखिए आप ध्यान से, जैसे मैं इसी सिस्टम को दिखाता हूं प्रोपीन को, तो ये आपके पास में अल्फा हाइड्रोजन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बजाय हाइड्रोजन के, एनहांस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को इसने अपनी ओर अट्रैक्ट किया, इस पाया नेगेटिव चार्ज, इस पर क्रिएट किया पॉजिटिव, दोनों के बीच में बॉन्ड और एक इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनी है। एक बार ध्यान से देखेंगे, देखिए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ये बनी इस प्रोपीन की, इसमें इस H प्लस आयन का केवल क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, एंड एज दीज स्ट्रक्चर्स आर आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन विच डीलोकलाइजेशन या कंजुगेशन बिटवीन सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखिए सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस इट इज आल्सो नोन एज सिग्मा पाई कंजुगेशन। एक ऐसे में इसकी कितनी स्ट्रक्चर बना सकता हूं रेजोनेंटिंग, तीन बना सकता हूं, एक इसे एच से बनाई, एक दूसरी अल्फा हाइड्रोजन, इस तरह से इनको कहते हैं आप। देखो इससे भी बना के देखें, इसको आप इस बार कंजुगेशन में ले लो, ये इसके साथ दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी, डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे क्या चार्ज आ रहा था आपके पास में नेगेटिव, एक और बना सकते हो, एक इस एच से भी बना सकते हो, देखो एक बार इस एच को रखो कंजुगेशन में, ये चार्ज आ जाएगा इसमें पॉजिटिव, यहां पे दोनों के बीच में डबल बॉन्ड और इस चार्ज कैसा था नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से, तो इसकी कुल मिलाकर आपके पास में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब पेरेंट को भी काउंट करना तो 1+3 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसने लिखेंगे 4 इन विच 3 आर नो बॉन्ड एंड 1 इज पेरेंट 1, टोटल लिखनी पड़ेगी 4। तो ये आपके पास में था एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन। अब आप एक बार ध्यान रखना, जितनी ज्यादा रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर लिखी जाती है ध्यान रखें उतना ही मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस के प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो जाती है जिसको आप क्या कहते हो रेजोनेंस एनर्जी। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर उसके बेस पे आप इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, देखो एक बार जैसे क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन समझाऊं,
इथाइलीन, प्रोपाइलीन, देखो इधर प्रोपाइलीन, इसी तरह से ब्यूटाइलीन, ये टू ब्यूटाइलीन है, इसमें भी आपको पता है दो मिलती हैं, समझ गए कौन कौन सी, एक तो सिस और एक ट्रांस, कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, ठीक है। इसी तरह से और आपके पास में और बड़ी बड़ी एल्कीन भी लिख सकते हो, जैसे एक एल्कीन मैंने ये लिखी इधर देखो और एक एल्कीन ये लिखी, पूछे साहब बताइए इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, विच एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो अभी आपको बताया कि इनकी स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन से, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बनी थी इसके अंदर, फोर, मीन्स प्रोपाइन इज मोर स्टेबल देन इथीन, ये वन और ये टू। अब इधर देखो सिस ट्रांस में, अच्छा कितने अल्फा हाइड्रोजन, तीन इधर और तीन, तो इसके कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए टोटल, सिक्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन प्लस सिक्स एंड एस टोटल सेवन। अब इसमें सिस ट्रांस में आप ध्यान रखें, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, क्यों, ड्यू टू रिपल्सन, बल्कि ग्रुप जब सिस फॉर्म में रहते हैं तो थोड़ा रिपल्सन रहता है, रिपल्सन की वजह से एनर्जी हाई, स्टेबिलिटी कम, बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में सेम। इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन 3 3 3 9, तो 1 प्लस 9 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 10, इन विच 9 आर नो बॉन्ड रेजोनेंट। इसके अंदर 3 3 3 इस तरह से 1 प्लस 12, यहां पर 12 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा, ये कम, इससे ज्यादा, फिर ये टू ब्यूटीन, फिर इससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन चल जाएगी, लास्ट वन। तो आप एल्कीन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। नेक्स्ट देखो, अब आप नेक्स्ट इन केस ऑफ कार्बोकैटायन, देखिए इधर ध्यान से, ये कार्बोकैटायन ध्यान रखना, ये बताया मैंने आपको कि ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ भी अल्फा हाइड्रोजन कंजुगेशन में हो सकते हैं, तो ठीक इसी तरह से देखो इसकी भी आप हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर लिखेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एंड हैज देयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट बाय द कार्बन कैरी नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन कार्बन, बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो एक बार जैसे स्पीसीज पे चार्ज आ जाता है ना, उसी तरह का चार्ज आता रहता है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, एल्कीन ओवरऑल न्यूट्रल थी, जिसमें पॉजिटिव था उसमें नेगेटिव भी था। अच्छा ये केवल किससे अट्रैक्ट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए क्या कहते हैं इनको, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसमें भी मैं इस जो ये आपके पास में कार्बोकैटायन इथाइल कार्बोकैटायन कितनी नो बॉन्ड रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, तीन, एक इसे अल्फा से एक इससे इससे, तो टोटल स्ट्रक्चर मुझे लिखनी होगी, तो आप आंसर फिर उसी तरह से फोर बोलोगे। तो इनकी स्टेबिलिटी भी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी आप हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो, जितनी ज्यादा मोर रेजोनेंटिंग या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर देन कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल। देखो क्वेश्चन भी आता है, समझा देता हूं, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कार्बोकैटायन, ये मिथाइल then ethyl, then isopropyl, then isopropyl carbocation and tertiary butyl carbocation, this one is tertiary butyl carbocation, explain stability order of following cation, initially two, क्या बोलते हैं, primary carbocation, secondary carbocation and tertiary carbocation, तो check करो hyper conjugate stability को explain करने के, तो बहुत से reason हो सकते हैं आपके पास में, आप inductive effect से भी explain कर सकते हो, अभी आएगा, ठीक है, मैं hyper conjugation से भी explain करता हूं, तो hyper conjugation की वजह से इसकी कोई structure नहीं बनेगी, इसमें कितनी structure बनेगी, 4, 3 alpha H, 6 alpha H, तो 1 plus 6, 7, 9 alpha H, तो 1 प्लस 9 इक्वल्स टू 10, देयरफॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन इन दिस ऑर्डर, इथाइल सबसे लेस स्टेबल, इथाइल देन आइसोप्रोपाइल एंड टी ब्यूटाइल, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से ये आंसर आता है। तो ये दूसरा था मेरे पास में कार्बोकैटायन में हाइपर कंजुगेशन, तीसरा बताता हूं फ्री रेडिकल्स में, देखो एक बार ध्यान से, थर्ड पॉइंट फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में भी जैसे ये मेरे पास में फ्री रेडिकल, ठीक है, इसमें अब फिर ध्यान रखना कि ये अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर जाते हैं और इलेक्ट्रॉन के साथ भी रेजोनेंस में, जैसे देखो अब आप ध्यान रखें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है होमोलिटिकल फिजन से, तो इसको होमोलिटिकल फिजन करो, एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास, एक इसके पास, दोनों के बीच में बॉन्ड बना देंगे इस तरह से, इस तरह से आप बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है जो ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ भी कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो इसी तरह से इसके भी कितनी स्ट्रक्चर लिखी जाएंगी, 4, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस तरह से। तो इनकी स्टेबिलिटी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक तो मेरे पास में मिथाइल फ्री रेडिकल, इससे ज्यादा स्टेबल इथाइल, देन आइसोप्रोपाइल सेकेंडरी टाइप का फ्री रेडिकल, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, और देन टी ब्यूटाइल टर्टियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल,
इज मोस्ट स्टेबल इन तीनों में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा एक बात पर्टिकुलरली ध्यान रखें आप, ये जो होता है आपके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन, शांत सुनना, इसमें भी रेजोनेंस है और एक आपको एक्चुअल पाई बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन का रेजोनेंस भी मालूम है। तो इन कंपेरिजन टू रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए वीक इफेक्ट बिकॉज इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन या सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन कंपेरिजन टू पाई एंड हेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए वीक इफेक्ट इन कंपेरिजन टू रेजोनेंस इफेक्ट। जैसे देखो एक बार ध्यान से, सपोज ये मेरे पास में एलाइल, ध्यान से देखिए ये मेरे पास में क्या है, एलाइल फ्री रेडिकल, ठीक है, एक तो है एलाइल फ्री रेडिकल और एक मेरे पास में साहब ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, बट एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन इतने आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल बिकॉज इन विच हाइपर कॉन्जुगेशन, इन विच प्रेजेंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन टेक पार्टिंग एंड इन केस ऑफ एलाइल फ्री रेडिकल हियर रेजोनेंस, हियर प्रेजेंस ऑफ द रेजोनेंस इन विच पाई इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट, तो जब पाई इलेक्ट्रॉन है वो इजी हो जाते हैं। तो ध्यान रखें आप कि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपेरिजन टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो स्टेबल कौन ज्यादा होगा, प्राइमरी होते हुए भी एलाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, हाउएवर इट इज द सेकेंडरी बट हाइपर कॉन्जुगेशन बट रेजोनेंस। तो ये मेरे पास में इफेक्ट था, आपके पास में हाइपर कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट इफेक्ट आपको इनकी स्टेबिलिटी चेक करते रहे ना, नेक्स्ट आज आपको इफेक्ट एक्सप्लेन करूंगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव आपको मैंने बताया था कि जो शुरू के तीन इफेक्ट है नेमली रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट, इनको कहते हैं परमानेंट इफेक्ट। एक और आएगा इसके बाद में, उसको कहते हैं टेम्परेरी। तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन सुन लो, इसको आई से तो डिनोट करते हैं, ध्यान से सुनिए। इस इंडक्टिव इफेक्ट में इस CH बॉन्ड का, CH बॉन्ड को हमने एज्यूम कर रखा है कि इसका इंडक्टिव इफेक्ट है जीरो, मींस ये इलेक्ट्रॉन ने तो हाइड्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ने कार्बन कट रहा है, ये मान रखा हमने क्या है स्टैंडर्ड मान रखा है। अब इसके कंपैरिजन में ध्यान से सुनना, इस CH बॉन्ड के कंपैरिजन में यदि कोई एटम या ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो या अपने से रिपेल करता हो तो उसको बोलेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, मे बी प्लस आई और मे बी माइनस आई। तो ध्यान से सुनिए, व्हेन एटम और ग्रुप मे बी अट्रैक्ट और रिपेल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन सैचुरेटेड चेन देन दिस इफेक्ट इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट इन कंपैरिजन टू विद रेस्पेक्ट टू CH बॉन्ड, विद रेस्पेक्ट टू CH बॉन्ड सच टाइप ग्रुप और एटम मे बी शो प्लस आई इफेक्ट और मे बी शो माइनस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो इधर ध्यान से, सपोज ये एटम जेड इसके कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है सैचुरेटेड चेन से, देखो आप ध्यान से, यदि अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो इट कैरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, व्हेन कार्बन कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज देन इट स्लाइटली अट्रैक्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, देयरफॉर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो डेवलप एट द कार्बन बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज लेस देन द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन फर्स्ट। इसी तरह से इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज बट मैग्नीट्यूड इज पॉजिटिव चार्ज बिकम डिक्रीज। और इन जनरल ये जो इफेक्ट होता है, ये जो इफेक्ट होता है ये लगभग तीन कार्बन तक चलता है, उसके बाद में नेग्लेक्ट हो जाता है या नेग्लिजिबल, तो उस समय कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं होता, तीन कार्बन तक जनरली ये चलता रहता है, इफेक्टिव इतने तक होता है। तो ऐसा एटम और ग्रुप, ध्यान से देखो, ऐसा एटम और ग्रुप जो सैचुरेटेड चेन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता हो इन कंपैरिजन टू CH बॉन्ड, क्या बोलेंगे आप इसको, माइनस आई इफेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको इसी ऑर्डर में आपको लर्न करना है, तो कुछ मैं आपको बता देता हूं माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। देखिए माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप देखो, सबसे पहला तो कौन अट्रैक्ट करेगा, यदि कोई सीधी सी बात है यदि पॉजिटिव चार्ज की स्पीसीज है तो सबसे स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट तो उसका पॉजिटिव आयन का सबसे जल्दी, जैसे अमोनियम आयन वगैरह इस तरह के होते हैं, जैसे अमोनियम आयन है इस तरह के सबसे स्ट्रॉन्गर होता है इनका इफेक्ट, समझ गए, ऐसे ग्रुप एक एच को हटा के और इधर वैलेंसी फ्री कर लेना, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट तो होता है इनका। फिर उसके बाद में इसी सीक्वेंस में याद करेंगे माइनस आई, फिर नाइट्रो का, फिर उसके बाद में CN का, उसके बाद में आप लर्न करेंगे SO3H का, फिर उसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन का, कार्बोनिल कंपाउंड्स एल्डिहाइड का, फिर उसके बाद में कीटोन्स वगैरह, समझ गए, फिर एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद में हेलोजन्स एंड डेरिवेटिव्स और यहीं पे लगा देना एसिड हैलाइड एस्टर वगैरह, फिर हेलोजन्स फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इस तरह से, फिर उसके बाद में OH
ठीक है, उसके बाद में ओ आर, देन उसके बाद में NH2 का उसके बाद में, फिर उसके बाद में फिनाइल, फिनाइल का, देन विनाइल, विनाइल, और सबसे कम किसका, एच के रेस्पेक्ट में, एच का इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, जीरो। तो ये सब माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप है। इसके कुछ सीक्वेंस है जिनको आप लर्न जनरली ध्यान रखें, जैसे स्टार्टिंग वाले नाइट्रो साइनाइड एसओ थ्री एच एल्डिहाइड कीटोन्स कार्ब एसिड हेलोजेंस, हेलोजन का इंडक्टिव इफेक्ट, फिर OH NH2 इस तरह से। तो ये तो थे आपके पास में माइनस आई इफेक्ट के। कुछ थोड़ों देखा प्लस आई इफेक्ट, वापस देखो डेफिनेशन, एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, डेफिनेशन इसी के रेस्पेक्ट में बात करनी है। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कितना एज्यूम कर रखा है हमने, जीरो, ठीक है। अब देखो एक बार वापस, कोई एटम और ग्रुप इस CH बॉन्ड के कंपैरिजन में, ध्यान रखो इस CH बॉन्ड के कंपैरिजन में यदि कोई एटम और ग्रुप सिग्मा इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता हो तो इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और खुद पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव आ जाएगा ये स्लाइटली रिपेल करेगा, इस पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन फिर ध्यान रखना कि जो नेगेटिव चार्ज है या जो चार्ज का सेपरेशन होता है ये जनरली थ्री कार्बन तक चलता है, उसके बाद नेगलेट हो जाता है। अब एटम और ग्रुप विच रिपेल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन सैचुरेटेड चेन, देन सच टाइप एटम और ग्रुप आर नोन एज प्लस आई इफेक्ट। उनको क्या कहते थे, प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप। वैसे दो ही एग्जांपल होते हैं, ध्यान रखना। एक तो प्लस आई इफेक्ट में आप ध्यान रखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ध्यान रखना। एक तो प्लस आई के आप ध्यान रखेंगे कोई भी एन आयन, कोई भी नेगेटिव चार्ज उसका सबसे ज्यादा, और उसके बाद में होता है एल्काइल ग्रुप का। दो ही याद रखने, एक तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जैसे आप लिख देते हो ओ, ठीक है, ओ है सीओ है, और एक एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप में भी ध्यान रखना साइज बढ़ने से एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज, साइज और ब्रांचिंग इंक्रीज होने से इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, एल्काइल में आपको ऑर्डर समझा दूं। सपोज एक तो मिथाइल, एक आपके पास में इथाइल, तो मैं कह रहा हूं कि उसको सुनिए ध्यान से, साइज इंक्रीज होने से एज वेल एज ब्रांचिंग इंक्रीज होने से इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है एल्काइल ग्रुप का। जैसे मिथाइल के कंपेरिजन में इथाइल का, इथाइल के कंपेरिजन में आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल के कंपेरिजन में टर्सरी ब्यूटाइल। तो इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा, समझ गए। ये था आपके पास में इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत से फिनोमिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, एसिड बेस स्ट्रेंथ है, रिलेटिव एसिड बेस स्ट्रेंथ जिनको कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन वगैरह भी समझाए थे ना, जैसे मैं आपको इसकी एप्लीकेशन में बताऊं तो बहुत सी एप्लीकेशन, मैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी इससे एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो इधर, जैसे मैं इससे बोलू सपोज ये कार्बोकैटायन होता, एक तो यही होता और ये के, बोलो साहब विच वन इज मोर स्टेबल, तो आप ध्यान से देखो कि प्लस थ्री का क्या चीज है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम, एनहेंस मोर स्टेबल। इधर बात करता सपोज ये कैटायन, तो ये और ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका भी कैसा इफेक्ट था, प्लस आई, इसका प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, तो चार्ज पॉजिटिव डिक्रीज हो जाएगा, एनहेंस मोर स्टेबल, और सबसे ज्यादा स्टेबल। यदि ये कैटायन होता तो प्लस आई इफेक्ट इसका, फिर इधर भी प्लस आई इफेक्ट लगता है, इधर भी प्लस आई इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन जब ये रिपेल करते हैं तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड सबसे कम मोर स्टेबल। तो मैं कैटायन की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एनायन की भी कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं कहता था बताओ इनमें से कौन सा एनायन इज मोर स्टेबल, सपोज ये मेरे पास में कुछ एनायन लिखे हुए, देखो इधर सपोज ये एनायंस होते और मुझे इनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करनी होती तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर सकता हूं। देखो एक बार ध्यान से, इसका प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगा, और जब नेगेटिव चार्ज हाई हो जाएगा स्पीसीज बिकम लेस स्टेबल, तो इसमें रिवर्स हो जाएगा, मिथाइल मोर स्टेबल देन इथाइल, एनायन की बात कर रहा हूं, और भी लेस स्टेबल सेकेंडरी एनायन, ये प्राइमरी एनायंस है कार्बन आयन, ज्यादा स्टेबल बजाय सेकेंडरी के, टर्शियरी सबसे लीस्ट स्टेबल, टर्शियरी सबसे लीस्ट स्टेबल, तो एनायन में उल्टा हो जाता है। किससे एक्सप्लेन किया हमने, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बहुत सी एप्लीकेशन है जिनको अगली क्लास में हम, जैसे ही एप्लीकेशन आएगी मैं एक्सप्लेन करूंगा, एसिड बेस वगैरह स्ट्रेंथ वगैरह इनकी स्टेबिलिटी इस तरह से, ठीक है। अच्छा एक और इफेक्ट है, उसको कहते हैं आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, टेम्परेरी इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज ए टेम्परेरी इफेक्ट। टेम्परेरी का मतलब आपको बता दूं कि केवल जब ही अपीयर होता है जब कोई अटैकिंग एजेंट हो। देखो ध्यान से इसमें होता क्या है वो समझ लो, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफाइल या बाय द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, यानी पाई इलेक्ट्रॉन जैसे कार्बन कार्बन भी इनके बीच में रहता है, लेकिन जैसे ही आपको अटैकिंग एजेंट, क्योंकि आपको पता है पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और किसको चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को, तो जैसे ही एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाते हैं, जैसे यहां पर कैसे कर सकते हो, बाकी स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ती है कार्बोकैटायन की ओर। तो एक कार्बन पर तो आप जैसे देखो इधर, इस पाई का पॉजिटिव, इस पाई का नेगेटिव, तो ये बॉन्ड बना दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कैटायन, यदि इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है तो ये कैटायन में।
बस किसकी प्रेजेंस में हुआ, लेकिन इस अटैकिंग एजेंट में, ये नहीं होता तो बीच में रहता। यदि ये बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन छोड़ के वापस, तो ऐसे को कहते हैं अपन क्या चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या डेफिनेशन हुई दोबारा सुन लो, डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एनी वन ऑफ द एटम इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट, देन द रिलेटिव इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इट इज ए टेम्पररी इफेक्ट, जैसे ही आपके पास में अटैकिंग एजेंट रिलीज होगा मॉलिक्यूल आपकी इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज हमने आपको एक्सप्लेन किया इलेक्ट्रॉनिक कुछ इफेक्ट थे ऑर्गेनिक में, नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। ओके, थैंक यू।